स्क्रीन पे. द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड. सो एज टू जस्ट टू रिवाइज द यस्टरडे क्लास, हमने एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स पढ़े थे एनसीईआरटी से. तो जो भी ऐसी ट्यूब्स हैं, जो भी ऐसे ग्लैंड हैं जो रास्ते में हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पाथवे में आते हैं, रास्ते मतलब पाथवे में आते हैं, जैसे कि एसटीज से स्पर्म्स पूरे ले जाता है, वास डिफरेंस. तो वास डिफरेंस भी क्या हो गया, एक्सेसरी डक्ट हो गया, एक तरह से ट्यूब हो गया. डक्ट मतलब होता है बायो की लैंग्वेज में कोई भी ट्यूब. वास इफ्रेंशिया ट्यूब हो गया, रेटी टेस्टीज ट्यूब हो गया, वास डिफरेंस, डिफरेंशिया जो लिखा है वो वास डिफरेंस का दूसरा नाम है. ये सब ट्यूब्स हैं. व्हाट आर दीस, दीज आर ट्यूब्स, दीज आर डक्ट्स. एपिडाइडमिस हो गया. सो दीज आर द एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी मीन्स हेल्पिंग डक्ट्स फाइनली, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, पास करना गैमेट्स इनटू द फीमेल. दे विल प्रोड्यूस द गैमेट्स, टेस्टिस विल प्रोड्यूस द गैमेट्स, बट गैमेट्स को फीमेल ट्रैक्ट में पास करने का काम किनका है, डक्ट्स का है. अगर डक्ट्स ही नहीं होंगे तो टेस्टिस से अपने आप फीमेल ट्रैक्ट में नहीं जा सकते. तो एक्सेसरी डक्ट्स विल बी अ कंडक्टर, वो कंडक्शन कराएंगे स्पर्म्स का, ठीक है, फ्लो कराएंगे स्पर्म्स को. कंडक्शन मतलब क्या होता है, फ्लो. आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, गुड कंडक्टर क्या होता है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली, चार्जेस कैन फ्लो इजीली. तो कंडक्शन का मतलब होता है पासिंग, फ्लो कराना. तो एक्सेसरी डक्ट्स का हेल्पिंग काम है कि दे विल हेल्प इन द फ्लो ऑफ द स्पर्म. तो क्वेश्चन 11 जो दिख रहा है आपको, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स. तो एक टेबल यहाँ दिखा रखा है, बहुत इजीली आपको समझा रहा है कि मेल एक्सेसरी डक्ट्स में वास इफ्रेंशिया, इसमें लिखा है इसका फंक्शन, कंडक्ट स्पर्म फ्रॉम द रेटी टेस्टिस टू एपिडाइडमिस, ठीक है, टू पास द स्पर्म फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू एपिडाइडमिस, ठीक है, रेटी टेस्टिस से एपिडाइडमिस में ले जाना वास इफ्रेंशिया का काम है. देन रेटी टेस्टिस का काम क्या है, स्टोर द स्पर्म दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. मैंने क्या बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते रहेंगे, स्पर्म बनाते रहेंगे, और सारा कंटेंट किसमें रिटेन रहेगा, रिटेन मतलब स्टोर रहेगा, रेटी टेस्टिस. जितने भी स्पर्म बनाए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने, वो आके कहाँ रिटेन होते हैं, मतलब कलेक्टेड रहते हैं, रेटी टेस्टिस. तो इट इज स्टोरिंग द स्पर्म दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. द वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया क्या करता है, कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम एपिडर्मिस टू यूरेथ्रा, एग्जिटिंग पॉइंट तक लाना. वो पूरा जो ट्यूब है जो ऊपर यूरेथ्रा के ऊपर आके लूप होता है, वास डिफरेंस टेस्टिस से शुरू होता है और यूरेथ्रा ऊपर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, ब्लैडर के ऊपर से आके घूम के आता है, वो पूरा ट्यूब क्या है, वास डिफरेंशिया कहलाता है, या कॉमन नेम वास डिफरेंस कहलाता है, इट इज कॉल्ड वास डिफरेंस. देन एपिडर्मिस क्या है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन स्टोरेज एंड नरिशमेंट. एपिडर्मिस एक पूरा एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, कैप जैसा स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के ऊपर ही रहता है ये पूरा सी शेप का स्ट्रक्चर, जहाँ पर स्पर्म स्टोर भी रहते हैं, मैच्योर भी होते हैं, नरिश भी होते हैं, ठीक है, उसमें नरिशमेंट भी होता है स्पर्म का, वो मैच्योर भी होते हैं, स्टोर भी रहते हैं. ये तो हो गए मेल एक्सेसरी डक्ट्स. अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, इनका क्या वर्क है, इसको भी टेबल में यहाँ आराम से दिया हुआ है. सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल के आगे उसका फंक्शन लिखा है, एक्टिवेट्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी आफ्टर इजैक्युलेशन, कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म को एनर्जी देने के लिए कुछ ऐसे लिक्विड्स निकालता है, जैसे कल हमने बताया था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नाम की शुगर निकालता, ठीक है, फ्रक्टोज नाम की शुगर निकालता है, विच इज एनर्जी गिविंग, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म क्या हो सके, मूव कर सके, अगर वो बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे हैं, बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे हैं, इजैक्युलेशन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, इजैक्युलेशन. तो उनको बाहर रिलीज करने के बाद वो अपने आप चल सकें, तो वो
किस में होता है वो? फ्रक्टोज की वजह से उन्हें जो फ्रक्टोज निकाली होती है सेमिनल वेसिकल्स, जो सिक्रीशंस, ग्लैंड्स क्या है वो अपने सिक्रीशन ही करेंगे, ठीक है। हर ग्लैंड अपना सिक्रीशन करता है, हॉर्मोन्स बनाए, चाहे वो अपनी इंजाइम्स बनाए, चाहे वो अपने लिक्विड्स निकाले, तो हर ग्लैंड अपने कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता है। तो सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन प्रोवाइड द एनर्जी एंड फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी आफ्टर इजेकुलेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का भी नरिशिंग नेचर है। इट ऑल्सो नरिशेज एंड एक्टिवेट द स्पर्म, इनहेंसेज स्पर्म मोटिलिटी, जो मोटिलिटी उसे सेमिनल वेसिकल से मिली है उसको और बढ़ाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन इनहेंसेज द स्पर्म मोटिलिटी, प्रोवाइड्स एल्कलिनिटी टू द इजैक्युलेट। जितने भी स्पर्म निकले हैं